नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा कि जैसे कि अभी आप जो मेरे पीछे चना देख पा रहे हो, यह करीबन आज हमारा 67 से 68 दिन करीब का हो चुका है और इस प्लॉट में अभी हम जो है तीसरा स्प्रे करने वाले हैं। हमारे अधिकतर किसान भाई अपनी चने की फसल में तीसरा स्प्रे कर रहे हैं, तो तीसरे स्प्रे में उन्हें कौन कौन सी दवाइयों को लेना है, साथ ही फसल की कंडीशन के हिसाब से कौन कौन सी दवाइयों को लेना है, उसके बारे में आज की जो वीडियो है वह होने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप जो सामने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यह जो वैरायटी देख पा रहे हो, यह जो वैरायटी है इसका नाम है गोल्ड 72, जिसे कि हमारे बहुत से किसान भाई रशियन गोल्ड भी कहते हैं। और अभी हमारी जो फसल है वह करीबन आज जो हो चुकी है वह हो चुकी है 67 से 68 दिन करीब की। और आप देख पा रहे होंगे इसमें अभी हमें जो फूल हैं वह भी दिखाई दे रहे हैं और जो घेंटियाँ वगैरह है वो भी दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है। यानी फूल और घेंटियों का कॉम्बिनेशन देखें तो लगभग 60-40 का मान सकते हैं, यानी कि इसमें 60% जो है वह घेंटियाँ बन चुकी है और 40% इसमें फूल अभी भी बाकी है। तो ऐसी कंडीशन अभी हमारी फसल की है 67 से 68 दिन की अवस्था पर। और अगर आपने अपने खेत में गोल्ड 72 को लगाया है तो उसकी क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी इस वैरायटी का जो पौधा है वह काफ़ी बढ़िया तरीके से, यानी कि इसकी हाइट हुई है, यानी आप देख सकते हैं मेरे करीबन जो पाँव के घुटने वगैरह है वहाँ तक उसकी हाइट आ चुकी है। और जो प्लॉट है वह देख सकते हैं पूरा बेहतरीन तरीके से, यानी जो बिल्कुल सपाट एक जैसा तकत के जैसा हो चुका है। यानी 60 दिनों के बाद में हमारी जो फसल है वह पूरी तरह से यानी बिल्कुल खेत लॉक हो चुका है और जगह पर भी देखें तो आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यानी कि जगह भी भरी हुई दिखाई हमें देना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें स्प्रे कौन से की दवाई का करना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो तीसरा स्प्रे है वही फाइनल स्प्रे रहता है, तो इसलिए हम जो है तीसरे स्प्रे में यानी टोटल देखा जाए तो हर एक प्रकार की जो हैवी दवाइयाँ रहती है उनका ही यूज़ करते हैं, क्योंकि तीन स्प्रे के बाद में चौथा स्प्रे हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी फसल है वह आज करीबन 70 दिन की हो चुकी है और 70 दिन पर अगर हम हमारा तीसरा स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के लगभग 25 दिन के बाद में हमारी जो फसल है वह 95 से 100 दिन की हो जाएगी और उस टाइम पर फिर इलियाँ वगैरह का अटैक बहुत ही कम होता है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार हम तीसरे स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों का यूज़ करना है, साथ ही अगर आप भी अपने खेत में तीसरा स्प्रे कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी दवाइयों को लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको फसल की कंडीशन दिखा देता हूँ कि अभी जो हमारी फसल इसकी क्या कंडीशन है, इसके हिसाब से मैं आपको यह जो दवाइयाँ हैं वह बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यह जो पौधे हैं इनको दिखा देता हूँ कि अगर आप इन पौधों में देखेंगे तो आपको घेंटियाँ दिखाई दे रही है, नीचे से इसमें घेंटियाँ आई हुई है और ऊपर यानी कि इसमें लगभग अभी भी जो फूल वगैरह हैं वो देखें तो करीबन 4 से 5 फूल अभी भी इस पौधे में हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी नीचे से घेंटियाँ हैं और ऊपर जो 4-5 करीब फूल भी हैं। ऐसी कंडीशन पर हम जो इसमें यूज़ करेंगे, इसमें इल्लीमार में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कोराजन का, और कोराजन का यूज़ भी करेंगे हम लगभग कंपनी डोज के हिसाब से ही, यानी 10 ml प्रति पंप के हिसाब से हम कोराजन का उपयोग करेंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग एक एकड़ में देखा जाए तो 5 पंप या फिर खूब से खूब 6 पंप ही हमें लगते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो हम जो एकड़ पीछे हमारा डोज रहेगा वह 50 से 60 ml प्रति एकड़ डोज रहेगा कोराजन का। और किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि हमें जो फंगिसाइड है वह कौन सा यूज़ करेंगे हम इस कंडीशन पर। तो दोस्तों, जो फंगिसाइड है उसमें हम यूज़ करेंगे जो हमारा धानुका कंपनी का आता है लस्टर फंगिसाइड, क्योंकि दूसरे स्प्रे में हमने इस प्लॉट में प्रैक्सर का स्प्रे किया था, क्योंकि प्रैक्सर हमने फूल से पहले ही स्प्रे कर दिया था। इसी के साथ में अब तीसरे नंबर पर हम यूज़ कर रहे हैं लस्टर का, जो कि धानुका कंपनी का आता है, काफ़ी बढ़िया फंगिसाइड है। पिछली बार भी हमने इसका यूज़ किया था घेंटियाँ और फूल के टाइम पर, हमें काफ़ी बढ़िया इसका एवरेज देखने को मिला था और इस बार भी हम धानुका के लस्टर का ही उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य मेन रहता है जैसे कि दूसरे और तीसरे स्प्रे में अगर हम हैवी टेक्निकल वाले फंगिसाइड का यूज़ कर देते हैं तो हमारी जो फसल है वह बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आती है और उसमें उभाने की समस्या जो आती है कि जैसे हमारे टेकर वगैरह जगह जो है वह पहले आ जाती है, साथ ही हमारी डावरें थोड़ी लेट आती हैं, तो वो सारी समस्याएँ खत्म हो जाती है अगर हम अच्छे हैवी फंगिसाइड का यूज़ कर लेते हैं हमारी चने की फसल में। तो इसलिए कम से कम आप 2 फंगिसाइड तो अपनी फसल में अच्छे हैवी डालें, जिससे कि आपकी फसल बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आए, आपके दाने का साइज पर्याप्त रहे और आपकी जो फसल है उसमें उभाने की समस्याएं बिल्कुल भी आपको देखने को ना मिले। तो किसान भाइयों, यानी कि फंगिसाइड में हम यूज़ कर रहे हैं धानुका का लस्टर का, और अगर आपने पिछले फंगिसाइड अच्छा हैवी यूज़ नहीं किया है तो आप उसकी जगह पर प्रैक्सर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्रैक्सर है अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको 90 से 100 ml प्रति एकड़ यूज़ करना है, और अगर आप लस्टर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका जो डोज है वह 180 से 200 ml प्रति एकड़ यूज़ करना है। इसी के साथ में किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हम यूज़ करेंगे इसमें जो है टॉनिक का, यानी टॉनिक में हम यूज़ करेंगे फेंटेक प्लस, यानी जो फेंटेक प्लस है इसको डालने का क्या फ़ायदा है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जो फेंटेक प्लस है इसके अंदर एमिनो एसिड के साथ में विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी फसल में दाने भराव में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
जैसे हमारी फसल की इस कंडीशन पर, यानी धीरे धीरे हमारे खेत में से जो नमी है वह कम होगी, और नमी कम होगी तो हमारे पौधे को थोड़े से जो पोषक तत्व है उनकी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम जो एमिनो एसिड वाली टॉनिक रहती है अगर उनका स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसल को यानी कि दाने भराव में बिल्कुल भी समस्याएं का सामना नहीं करना पड़ता है, और हमारे जो आखिरी तक की फलियां हैं उनमें भी दाने बैठने की क्षमता यानी कि आ जाती है, और उससे हमारा जो एवरेज है वह भी बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए हम तीसरे नंबर पर यूज़ करेंगे टॉनिक का। टॉनिक में जो है हमारी फेंटेक प्लस, आप चाहें तो इसकी जगह पर एमिनो एसिड्स और विटामिन्स वाली दूसरी टॉनिक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फेंटेक का यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ करना है आपको 100 ml प्रति एकड़। इसी के साथ में किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं हमें अगला कौन सी दवाई का यूज़ करना है। तो अगली हम जो इसके साथ में यूज़ करेंगे खाद में, इसमें है हमारा 0-52-34 और बोरान। किसान भाइयों 0-52-34 जो है काफ़ी बढ़िया रहता है हमारी फसल में, जिसके अंदर फास्फोरस और पोटास दोनों मात्राएं पाई जाती है। 0-50 जो है वह थोड़ा सा गर्म रहता है, तो इसलिए हम 0-50 को तो स्प्रे नहीं करते हैं, हम 2 बार 0-52-34 का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि 0-50 बहुत सी बार क्या होता है कि स्प्रे करने के बाद में अगर बहुत सी बार मौसम या फिर ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो फसल पर हमें उसका जो है क्या कह सकते हैं गलत प्रभाव देखने को मिलता है, या फिर जो विपरीत प्रभाव है वह देखने को मिलता है। तो इसलिए 0-50 का आप टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में ना ही करें तो बढ़िया रहता है, आप उसकी जगह पर 0-34 का यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों 0-34 जो है इसका 1 किलो आपको करीबन अपने 2 एकड़ में स्प्रे करना है, और साथ में जो बोरान है आप उसको भी ले सकते हैं। बोरान का जो डोज रहेगा वह रहेगा करीबन 80-100 ग्राम प्रति एकड़, और बोरान भी हमारी फसल में दाने भराव में काफ़ी ज़्यादा मदद प्रदान करता है, यानी जो हमारे नए फूल आए हुए हैं या फिर जो नए नए फूल हैं उनको भी जल्दी से घेटी में परिवर्तित करके और दाने भराव की प्रक्रिया काफ़ी बढ़िया तरीके से पूर्ण करने में सहायक होने में मदद करता है हमारे पौधे की। तो दोस्तों यानी कि अगर आप बोरान का यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यानी कि आपको जो है तीसरे स्प्रे में कुछ इस तरह से दवाइयों का यूज़ करना है, और हमारा जो तीसरा स्प्रे है वह भी यही रहेगा। जिस टाइम पर मैं स्प्रे करूंगा उस टाइम पर भी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा, और कैसी लगी है जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपने अपने खेत में इस बार तीसरे स्प्रे में कौन सी दवाई का यूज़ किया है, और आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन कौन सी दवाइयों का देखने को मिलता है चने की फसल में, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसान भाइयों अंत में एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। और हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि हमारे जो किसान भाई अपनी फसल में तीसरा स्प्रे कर रहे हैं वो इन दवाई को अगर यूज़ कर लेते हैं तो अपनी फसल में यानी जो एवरेज वगैरह है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों इनकी जो हमारी आज की वीडियो है उसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान भारत माता की जय।